जो रहती है इन प्रयासों को गति मिले, उसके दायरे का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्यमियों के लिए, श्रमिकों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता ग्रुप, और मैंने देखा है बिल्कुल पढ़ी लिखी महिला नहीं होगी लेकिन उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या समझ आता है, वो अंग्रेजी में बोल लेती है। ये शब्द इतना नीचे तक पहुंच गया है, कभी स्व सहायता ग्रुप कहे तो वो सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं, इतना वो पॉपुलर हो गया। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरह से गरीबों खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने। ये ग्रुप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत भी बना रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों को तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। उन्हें स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। जिन्होंने इस योजना को लाखों करोड़ों महिलाओं तक पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम किया है, और मैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे काम करने वाले अफसर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जो काम होते हैं उनकी जो इमोशनल स्टोरीज होती है एक आध किताब लिखनी चाहिए। वो सरकारी जो डॉक्यूमेंट वैसा नहीं, आप देखिए उस अधिकारियों को भी या उनके परिवारजनों को भी एक आनंद आएगा, कैसा अद्भुत काम हो रहा है। आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि अब तक महिलाओं के करीब 45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। एक तरह से 5 करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है, जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूं। 2011 से 2014 हमारी सरकार बनने के पहले, अगर 2011 से 2014 तक जो कुछ भी प्रगति उसको देखे तो 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। हमारी सरकार बनने के बाद 2014-17 तक इस काम को प्राथमिकता दी गई, इस काम का महत्व माना गया, और गत 4 वर्ष में 20 लाख से अधिक नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और 2.25 करोड़ से अधिक परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है। यानी पहले की तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 4 गुना बढ़े और 4 गुना अधिक परिवारों को इससे लाभ भी मिला है। यही दर्शाता है इस सरकार के काम करने की गति और जन कल्याण के लिए हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, माताओं का सशक्तिकरण हमारी कितनी प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं के ग्रुप्स को ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग और मार्केटिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट में हर प्रकार की मदद की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सदस्य
है। मैं फिर एक बार देश के आर्थिक विकास में भागीदारी करने वाले परिवार के आर्थिक जीवन में योगदान देने वाले और नए नए तौर तरीकों से कम खर्च से फॉर्मल एजुकेशन हुआ या ना हुआ, फिर भी इस प्रकार की सफलता पर करने वाली इन सभी माताओं बहनों को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूं। मैं चाहूंगा कि उनके अनुभव हम सुने और मैं सबसे पहले बिहार जाना चाहूंगा। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ बताइए। नमस्ते भैया, मेरा नाम अमृता देवी है और मैं जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड को कोषाध्यक्ष हूँ और खगड़िया जिला से आई हूँ। हम लोग एक गरीब परिवार के हैं, जो कि हम लोग को पहले स्थिति था, जो हम लोग के पास एक एकड़ जमीन था और 8-9 परिवार थे, उतना भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसके लिए जब हम लोग जीविका आया तो हम लोग समूह में जुड़ के और लोन लेने लगे। तो पहले लोन हम 10,000 रुपया लेके हम खेत पट्टा पर ले लिए, खेत पट्टा पर लेके फिर उसी को उत्पादन करके हम धीरे धीरे ये लोन चुका दिए। फिर हम 25,000 रुपया लोन लिए गाय पालन करने के लिए और बकरी पालन करने के लिए। फिर हम गाय से दूध निकाल के और खेत को जो इनकम हुआ वो धीरे धीरे यह 25,000 रुपया भी हम कर्ज चुका दिए। फिर जब यह कर्ज चुका दिए तो फिर हम 30,000 रुपया लोन लिए और 30,000 रुपया लोन लेकर फिर हम एक किराना दुकान खोल दिए और उसी दुकान से फिर वह भी 30,000 रुपया भी हम चुका दिए। फिर समूह में हमको एक काम मिला HRP पद पर, फिर उसमें हमको 2,000 पर मंथ मिलने लगा। फिर उसी से हम लोग कुछ परिवार सभी हम पहले से बहुत खुशहाल हो गए, बच्चे लोग को भी अच्छा तरह हम पढ़ाने लगे। फिर अकेली काम कर रही है। नहीं, कुल कितनी बहनें हैं आपकी टोली में? हम अभी जैसे हम लोग वहाँ पर है अभी 200 परिवार हैं एक गठन में। हमारे गांव में एक गठन बना हुआ है, उसमें हम 200 परिवार हैं। खेती से जुड़ा कोई काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, सभी महिला हम लोग खेती से जुड़ा ही काम करते हैं। कैसे, क्या करते हैं? बिंदु यही है कि प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उनका किस तरह से उनका आय में बढ़ोतरी हुआ या उनका जो है विमेन एम्पावरमेंट में किस तरह से उनको फायदा हुआ, उसे लाभ क्या मिला है, और उसी चीज को लेकर के वो यहाँ पर डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं। लेकिन वो चुनिंदा मतलब दीदी लोग से बात कर सकते, सभी से तो बात कर नहीं सकते। तो पटना में वो नालंदा और खगड़िया की दीदी लोग को बुलाया गया था, जो मतलब वहाँ की जिसको बोलते स्टार है, स्टार परफॉर्मर्स को बुला करके, तो पटना में हो गया, बिहार का पटना ही इसमें होना था। ये लोग भी जितनी है जीविका से जुड़ी हुई हमारी अलग अलग मतलब पूरे जिले से जुड़ी हुई है, अलग अलग ब्लॉक से 3-3 दीदी आई हुई है और उन लोग को स्वयं सहायता समूह अलग अलग स्वयं सहायता ये लोग भी अच्छा काम की हुई है, इसलिए इनको यहाँ